प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज लाए हैं आपके कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे उनको हम निकालते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कोण 45 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। कितने अंश का? 45 अंश का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज है जिसमें आपका कोण बी क्या है 90 अंश है और कोण सी, माना कोण सी कितना है, माना कोण सी इक्वल 45। तो कोण ए इक्वल भी 45 होगा। क्यों कोण ए 45 क्यों होगा? देख सकते हैं आप, ये आपका 45 अंश है, ये 90 अंश है, तो ये भी 45 अंश होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो कोण ए इक्वल भी 45 अंश होगा। अगर कोण ए और कोण बी 45 अंश है, कहने का मतलब अर्थात कोण ए इक्वल कोण सी, तो भुजाएं आपकी ये जो भुजाएं हैं बी सी इक्वल होंगी किसके, ए बी के। क्यों? समान कोण की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद आप यदि दोनों कोण समान हैं तो ये दोनों भुजाएं भी समान होंगी। अगर भुजाएं समान होती है तो बगल कोण भी समान होते हैं। अगर ये कोण 45 है, भी कोण 45 है, तो माना भुजा BC बराबर AB, ये बराबर है A, मतलब BC और AB दोनों बराबर है, इसलिए दोनों का मान कितना है A सेंटीमीटर है या A मीटर है, कुछ भी यूनिट है, A यूनिट है, कितना है A इकाई के है। अब आप देख सकते हैं कि A इकाई है और A भी इकाई है, तो CA का मान कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम, अतः CA स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से BC है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर, कितना हो गया 2A स्क्वायर। आप देख सकते हैं CA इक्वल कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 2A। अब कोण के मान देखें, अलग अलग त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखेंगे साइन थीटा, साइन ए इक्वल, देख लीजिए साइन इक्वल ए इक्वल क्या होगा बी सी बटा ए सी बराबर कितना हो जाए ए बटा अंडर रूट 2A। क्यों? ए से कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1/√2। कॉस ए इक्वल क्या होगा, कॉस ए इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, क्या होगा ए बी अपॉन ए सी, ए इक्वल कितना हो जाएगा आपका ए बटा अंडर रूट 2A, ए बी कैंसिल हो गया 1/√2। इसी तरह आप निकाल सकते हैं टैन ए का, किसका टैन ए इक्वल होगा आपका, टेन ए इक्वल क्या हो जाएगा आपका, टेन ए इक्वल हो जाएगा आपका लंबटा आधा, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ए इक्वल हो जाएगा कितना, बी सी इक्वल है ए अपॉन ए इक्वल वन। इस तरह से कॉट का निकालेंगे, कॉट ए इक्वल क्या होगा, कॉट ए इक्वल क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, क्या होगा ए बी अपॉन बी सी बराबर ए बटा ए बराबर वन। इसी तरह आप सेक का निकालेंगे,
सेक थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा हो रहा है आधार कर्ण बटा आधार, तो आपका ए सी बटा सी बी क्या होगा, ए सी बटा सी बी के बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी कितना है आपका अंडर रूट टू ए, अंडर रूट टू इंटू ए बटा ए, ऐसे कैंसिल बराबर अंडर रूट टू। इसी तरह आप सेक एक लगा कौशेक ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे कौशेक ए, कौशेक ए उत्कल कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा लंब बटा आधार, कितना हो जाएगा सॉरी इसका ए भी लंब बटा आधार कितना हो जाएगा ए बी सी अपॉन आपका सी बी बी सी, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट टू ए अपॉन ए इक्वल कितना कर जाएगा इक्वल अंडर रूट टू। इस तरह से देखें कि कोण ए का मान पर साइन का अनुपात कॉस का अनुपात और टैन ए काट ए सेक ए सबका मान आया आपके लिखे गए हैं, ठीक है। अगर ए जो है, अब आपको हमको पता है कि कोण ए कितना 40 डिग्री है और यही कोण सी बी है 40 डिग्री, तो अगर हम ए की जगह क्या रखें 40 अंश, कितना अगर कहें साइन 40 अंश कॉस 45 अंश और टैन 45, ठीक है कॉस 45 और सेक 45 और कोसेक 45, कितना कोसेक 45। तो अगर हम उनके देखें मान साइन 45 की मान कॉस 45 की मान और टैन 45 का मान, कॉट 45 डिग्री कॉट 45 अंश और सेक 45 अंश, अथवा क्या कहते हैं आपका ए इसका मान कितना आ गया, आप देखेंगे साइन 45 बराबर 1/√2 एक बटा रूट अंडर रूट दो, कॉस 45 के मान एक बटा अंडर रूट दो। इसी तरह हम आपको अन्य कोणों का भी अनुपात आपको अभी बता रहे हैं, इसके बाद देखेंगे हम 45 अंश के अलावा भी आप मान निकाल सकते हैं। हम आज भी देखते हैं कॉस 30 अंश के लिए और कॉस 60 अंश के लिए, ठीक है। तो कॉस 30 अंश का मान कितना हो सकता है, कॉस 60 अंश का मान कितना हो सकता है, साइन 30 अंश का मान कितना हो सकता है, साइन 60 अंश का मान कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें अभी आपको बता रहे हैं। मान लीजिए एक संभाव त्रिभुज है, माना क्या एक संभाव त्रिभुज है, ठीक है। संभाव त्रिभुज का नाम क्या ए बी सी, ए बी सी एक संभाव त्रिभुज है, ठीक है। माना ए बी सी एक संभाव त्रिभुज है, संभाव त्रिभुज है, ठीक है। तो कोण एक अच्छा संभाव त्रिभुज के सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं सारे कोण बराबर होते हैं, शीर्ष ए से भुजा बी सी पर लंब डालेंगे, क्या डालेंगे बी सी पर लंब ए डी डालते हैं, क्या डालेंगे ए डी डालने पर ए डी आपका लंब हो गया। अब आप देखेंगे को त्रिभुज ए डी बी ये सर्वांग सम है किसके, ए डी सी के। क्यों ए डी सी के सर्वांग सम है, क्योंकि ये कोण इक्वल होंगे, क्योंकि संभाव त्रिभुज के सारे कोण क्या होते हैं 90 डिग्री और 60 अंश के होते हैं, तो ये कोण इक्वल है, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। ये दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है नहीं, तथा ये कोण और ये कोण बराबर है, किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर है, त्रिभुज क्या होता है सर्वांग सम होता है। इसको कौन सी सर्वांग समता क्राइटेरिया कहते हैं, इसको कहते हैं ए एस ए, क्या कहते हैं ए एस ए। अब देख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी बराबर है और कोण ए डी बी बराबर कितना 90 डिग्री, ए डी बी भी क्या है लंब 90 डिग्री है। अब देखते हैं हम कि त्रिभुज ए डी बी में किसमें ए डी बी में, अब
त्रिभुज ए डी बी में माना ए बी इक्वल, ए बी इक्वल कितना है, ए सेंटीमीटर या ए यूनिट है, कितना है ए इकाई है, और फिर बी डी इक्वल क्या होगा, बी डी इक्वल क्या हो जाएगा, तो बी डी इक्वल हो जाएगा वन अपॉन टू ए, बी डी इक्वल कितना हो जाएगा वन अपॉन टू ए, क्यों, क्योंकि संभव त्रिभुज के शीर्ष से उस सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो बी डी इक्वल कहता है वन अपॉन टू ए, तो हम ए डी निकाल लेते हैं, तो ए डी बराबर ए डी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से देखें, ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर वन अपॉन टू का ए स्क्वायर, या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर ए स्क्वायर, अब इसको माइनस कर लेते हैं कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, कैसे माइनस करेंगे, चार को इससे गुणा कराएंगे, चार ए स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर, चार में से गया तीन, तीन ए स्क्वायर अपॉन फोर, ये आपका हो गया, तो ए डी इक्वल क्या होना जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ए डी इक्वल होगा आपका, ध्यान दें ए डी इक्वल होगा आपका, इसका अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट थ्री, पूरे का अंडर रूट कर दें, अंडर रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर इसका वर्गमूल में आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट निकल आएगा, तो अंडर रूट थ्री अपॉन टू ए, ये आपका ए डी की लंबाई हो गई। अब आप इससे निकालें, इस साठ अंश को निकालें, किसके लिए, देखिए साइन साठ के लिए, अगर साइन साठ अंश, साइन बी इक्वल साइन साठ बराबर कितना होगा आपका, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इसमें ए डी, ए डी बटा ए बी कितना हो जाएगा, ए डी बटा ए बी ये बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट थ्री, ए डी बराबर क्या है, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री अपॉन टू भागे बटा, फिर कितना है, लंब बटा कर्ण, लंब ये है कर्ण ए बी है, ए बी की लंबाई कितनी है आपकी, ए बी की लंबाई ए है, ए अंडर रूट थ्री ए अपान ए, ए से कैंसिल बराबर क्या होगा, अंडर रूट थ्री अपान टू, ये साइन साठ का मान हो गया। इसी तरह आपका कास का निकालना है, कास बी इक्वल हो जाएगा कास साठ अंश, यही कास साठ है, यहाँ पर कास बी क्या है, ये जो कोण है साठ अंश का है, इसलिए कास बी लिख रहे हैं, कास बी इक्वल कितना है, कास साठ अंश, कास साठ अंश का मान क्या हो सकता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है बी डी है, कर्ण कितना है ए बी है, तो कितना हो जाएगा बी डी बटा ए बी, बी डी बटा बी डी बटा ए बी, बी डी का मान कितना है वन अपॉन टू, वन अपॉन टू ए है, और ए बी का मान कितना ए है, ए से कैंसिल इक्वल कितना है वन अपॉन टू, तो आप देख सकते हैं कास साठ का मान कितना आ गया वन अपॉन टू। इसी तरह टेन साठ टेन बी को देखें, टेन बी पर देखें टेन बी इक्वल कितना होगा, टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी बराबर क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं टेन थीटा का लंब बटा आधार मतलब ए डी बटा बी डी कितना हो जाएगा, ए डी बटा बी डी, ठीक है, आपका ए डी क्या है, आप देख सकते हैं ए डी की लंबाई कितनी निकाली है, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, कितनी निकाली है अंडर रूट थ्री अपॉन टू, और बी डी की लंबाई कितनी निकाली है वन अपॉन टू ए, इसकी यहाँ देखिए अंडर रूट थ्री अपॉन टू ए, ए डी है अंडर रूट थ्री अपॉन, अंडर रूट थ्री अपॉन टू ए, और इसकी है वन अपॉन टू ए, ए से ए कैंसिल पहले, और आप जानते हैं कि ए बाहर का बाहर भी गुणा होता है और अंदर का अंदर से गुणा होता है, ठीक है कि नहीं, अब आप देख सकते हैं यहाँ इसको लिखेंगे ए बाहर बाहर गुणा हो जाएंगे मतलब अंडर रूट थ्री ए गुणे टू बटा दो गुणे एक, दो गुणे एक के बराबर क्या, दो से दो कैंसिल इक्वल कितना अंडर रूट थ्री। इस तरह से आपने देखा कि टेन बी मतलब साठ
टेन साठ का मान कितना आया, अंडर रूट थ्री, कितना आया अंडर रूट थ्री। इसी तरह आप काट सेक कोसेक के भी मान निकाल सकते हैं। चलो हम मान यहाँ निकाल के रख दिखा देते हैं, यहाँ देखिए आप देखें इसमें कि सेक ए क्या, सेक बी, सेक बी बराबर सेक सिक्सटी है। इसमें इस वाले त्रिभुज में सेक सिक्सटी का मान निकालना है, तो सेक सिक्सटी का मान कितना होगा, सेक ए बराबर के सेक बी इक्वल कितना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है आपका ए बी, ए बराबर हो जाएगी ए बी बटा आधार कितना है बी डी, क्या हो जाएगा बी डी। अब सबकी लंबाई ए बी की लंबाई कितनी ए, और बी डी की लंबाई वन अपॉन टू, वन अपॉन टू ए, एक मिनट ठीक है। तो अब इसमें देखें ए कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, आएगा टू, कितना आ गया साठ, सेक सिक्सटी का मान कितना आ गया दो आ गया। इसी तरह आप कोसेक सिक्सटी का मान भी निकाल सकते हैं, सॉरी कोसेक सिक्सटी किसका मान निकाल सकते हैं, कोसेक भी बराबर होगा कोसेक सिक्सटी, कोसेक साठ अंश का मान निकाल सकते हैं आप आराम से, कोसेक साठ, कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है आप जानते हैं, कोसेक जो अनुपात है वो क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है ए बी, कर्ण क्या है इसमें ए बी है और लंब क्या है इसमें ए डी है, ए डी। तो आप इसमें लिखा सकते हैं ए बी बटा ए डी, ए बी की लंबाई कितनी है ए, ए डी की लंबाई कितनी है अंडर रूट थ्री अपॉन टू, अंडर रूट थ्री अपॉन टू ए, ए से ए कैंसिल टू ऊपर चला जाएगा हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री। इस तरह से कोसेक सिक्सटी का मान टू अपॉन रूट थ्री है। अब इसके बाद हम देखते हैं टैन की मान, किसकी मान, आप सिक्सटी के अंश के मान आपको बता दिया गया, कितने अंश का मान आपको बता दिया गया सिक्सटी अंश का मान आपको बता दिया गया है, कितने अंश का सिक्सटी अंश। इसके बाद अब आपको हम बता रहे हैं इसी त्रिभुज से किसका मान, तीस अंश का मान। आप इसमें देख सकते हैं कि कोण ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कोण ए इक्वल तीस अंश होगा, क्या होगा कोण ए इक्वल तीस अंश। तो हम कोण तीस अंश का मान यहां से निकाल सकते हैं सभी के, देखें क्या हो सकता है, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, देखते हैं आपको रेड करके बता रहे हैं आपको, देख साइन ए इक्वल यहां पर क्या होगा, साइन ए इक्वल होगा आपका तीस अंश, देखेंगे आप साइन ए इक्वल, साइन ए इक्वल होगा साइन तीस है आपका, ये बराबर होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यहाँ पर आधार ये हो जाएगा लंबे हो जाएगा कर्ण, लंबे हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो साइन कर्ण ए बी है, लंब है आपका बी डी, इसमें हो जाएगी बी डी बटा ए बी, बी डी बटा ए बी होगा, बी डी का मान कितना है एक बटा दो, ए बी का मान ए है, तो बी डी बराबर एक बटा दो ए, इसका मान है ए, ए से कैंसिल बराबर एक बटा दो। तो इस तरह साइन तीस अंश का मान कितना आ गया एक बटा दो। अब आप देख सकते हैं कॉस एक निकालें, कॉस ए बराबर हो जाए कॉस थर्टी, एक कॉस थर्टी बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ए डी है, कितना हो जाएगा ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी, ए डी कितना है आपका अंडर रूट थ्री अपॉन टू ए, और ए बी कितना है आपका ए, एक से कट गया आपका कितना है अंडर रूट थ्री अपॉन टू। इस तरह से आप देखें कि कॉस थर्टी का मान कितना आ गया अंडर रूट थ्री अपॉन टू। अब इसके बाद आप देख सकते हैं टेन थर्टी का, टेन ए देखें, टेन ए बराबर टेन थर्टी है आपका, टेन थर्टी, टेन थीटा बराबर आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, लंब है बी डी, बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी क्या है ए डी, बी डी कितना है आपका, बी डी है आपका वन अपॉन टू ए डी ए, और ए डी कितना है आपका अंडर रूट थ्री अपॉन टू, अंडर रूट थ्री अपॉन टू ए, ए से कैंसिल हो गया, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे बराबर दो गुणे
एक बटा अंडर रूट थ्री गुणे दो, दो से दो कैंसिल बराबर वन अपॉन रूट थ्री। इस तरह से देखें टेन थर्टी का मान कितना आ गया, वन अपॉन अंडर रूट थ्री। इसे मैं कॉट का निकालें, इसके लिए कॉट ए इक्वल कॉट थर्टी, कॉट थर्टी अंश, और कॉट थर्टी का मान क्या हो सकता है, हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार कितना है इसमें, आधार है ए डी, ए डी बटा बी डी। ये बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए डी कितना आपको इसमें देखें अंडर रूट थ्री अपॉन टू ए, अंडर रूट थ्री अपॉन टू ए, बी डी एक बटा दो, बी डी कुल कितना है एक बटा दो ए। कैसे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका ऐसे गुणा होगा, इसका ऐसे गुणा होगा, अंडर रूट थ्री इंटू टू अपॉन वन इंटू टू, दो दो करके कितना है अंडर रूट थ्री। इस तरह से कॉट कॉट थर्टी का मान कितना आ गया अंडर रूट थ्री। और फिर सेक थर्टी किसका, सेक ए इक्वल सेक थर्टी, सेक थर्टी सेक सेक थीटा इक्वल क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है इसमें ए बी, आधार कितना है इसमें ए के लिए ए डी। आप देख सकते हैं कि ए डी की लंबाई ए बी कितना है ए, इसका अंडर रूट थ्री अपॉन टू ए, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा, इसका आ जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, कितना हो जाएगा दो अपॉन रूट थ्री। इसी तरह कोसेक थर्टी का मान निकालें, कोसेक के तीस बराबर कोसेक थर्टी ए इक्वल है कोसेक थर्टी क्या तीस अंश है, कोसेक तीस अंश, कोसेक थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बी डी बटा ए बी, बी डी बटा ए बी, बी डी कितना है वन अपॉन टू ए, ए बी कितना ए, ए से एक कैंसिल बराबर वन अपॉन टू। इस तरह से आपको मैंने बताया कि साइन या कॉस टैन सेक कोसेक कॉट के 45 अंश के मान कैसे निकाले जाते हैं, साइन 60 अंश के मान, कॉस 60 अंश के मान, 30 अंश के मान कैसे निकाले जाते हैं, इनके अनुपात होते क्या हैं। आपको वीडियो कैसे लगा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।